खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद मुजालदा के नाम की घोषणा होते ही डॉक्टर मुजालदा के नाम का विरोध कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। बड़वानी जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शुक्लाल परमार के नाम की उम्मीदवारी मान रहे हैं, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। उन्होंने शिवराज के खिलाफ कई धरने दिए, आंदोलन किए और पुतले फूके। शुक्लाल परमार जन जन से जुड़े नेता है, जिनको टिकट न देकर पैराशूट उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर मुजालदा का नाम आना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। जब SW24 टीम ने सेंधवा कुछ लोगों का ओपिनियन जानना चाहा, तो देखिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, जो पार्टी ने हाईकमान ने जो प्रत्याशी घोषित किया है खरगोन बड़वानी के लिए, उनका पूरे लोकसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर पे वर्चस्व नहीं है, इसलिए पार्टी हाईकमान पुनर्विचार करना चाहे प्रत्याशी को लेकर, जिससे कि कांग्रेस की सीट आसानी से निकल सके। खरगोन बड़वानी लोकसभा से तो शुक्लाल परमार जी को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 30-35 साल से कांग्रेस पार्टी को लेके चले। उन्होंने 30,000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ा है, उनकी पूरे जिले में बहुत अच्छी पकड़ है, और चूंकि उनका जन्म स्थान वहाँ का है खरगोन का, और यहाँ पे ये जिले में वो जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनकी सब दूर अच्छी पहचान है। जहाँ पे भी जाते हैं लोग उनको चेहरे से, नाम से, हर प्रकार से जानते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी दमदारी से उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी संभाला है। मुख्यमंत्री जी को समय समय पर काले झंडे भी दिखाए हैं, और किसी को भी टिकट मिला उन्होंने दमदारी से उसका साथ दिया, उसको जिताने की पूरी कोशिश करी। और क्या समझ के गोविंद मुजालदा जी को दिया, ये तो हमको भी नहीं पता है, और मतलब कार्यकर्ता भी उनको जानते नहीं। कई लोग मेरे से आके बार बार बोलते कि दीदी उनका फोटो बताओ जिनको लोकसभा का टिकट मिला है, और कायदे से शुक्लाल परमार जी को ही मिलना चाहिए मेरे समझ से, और वही बेस्ट थे इस लोकसभा के लिए। पर अब क्या करें, ऊपर हाईकमांड का जो फैसला था वो उन्होंने क्या सोच के दिया ये तो हमको भी नहीं पता है, पर उन्होंने सोच समझ के अभी भी समय रहते अगर परमार जी को दे दें तो अच्छी बात है, और नहीं तो अपन तो है ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, और अपन तो करेंगे। पर जीत की जो संभावना है, जीते कि नहीं जीते इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन यदि परमार जी को मिलता तो अच्छे से भारी मतों से जीतते और लोकसभा में जीत का परचम लहराते। यही लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस और भाजपा सहित सही पार्टियों ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। पार्टियों ने एक एक मतदाता तक अपनी पहुंच बनाई है, तो एक उम्मीदवार के लिए गहन मंथन कर उम्मीदवारों के नाम तय कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि अपनी सत्ता खोई कांग्रेस एक बार फिर सत्ता काबिज होना चाहती है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी अपनी सत्ता गंवाना नहीं चाहती। इसी जोड़ तोड़ में लगी दोनों मुख्य पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लगभग मैदान में उतार चुकी है, और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने अपने खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट से डॉक्टर गोविंद मुजालदा को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने गजेंद्र पटेल पर भरोसा जताया है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर गोविंद मुजालदा की। जैसे ही गोविंद मुजालदा का नाम पार्टी ने तय किया तो कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज से दिखे। उन्होंने यह कहा कि पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार भरोसा किया है जो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, और ना ही किसी भी सामाजिक कार्यों में उनका योगदान रहा है। मुजालदा के सहयोगी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का वाक और मानकर खुशियां मना ली। यह बात हम नहीं कर रहे हैं, यह बात तो उनके कट्टर विरोधी शुक्लाल परमार, जो खुद भी लोकसभा के भावी उम्मीदवार थे और उनके अनुसार सबसे पहला नाम उन्हीं का था। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नाम शुक्लाल परमार है, मैं बड़वानी जिले का पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मैं PCC मेंबर हूँ। किन किन पदों पर आप अभी तक रहे? मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से लेकर के 9 साल तक बड़वानी जिले कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं, और इस पीरियड में हमने विपरीत परिस्थितियों में, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही और दमन चक्र, और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी थी, ऐसे समय में मैंने निर्भीक निडर होकर के पार्टी की सेवा की। कांग्रेस सदस्यों को अधिक से अधिक मैंने महत्व देकर के कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या क्या उपलब्धियां रही आपकी? मेरी उपलब्धियां बहुत रही है। मैंने इस पीरियड के दौरान लगभग 30,000 कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनाए। मेरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पुतला दहन किए, कई धरना आंदोलन दिए, और यहाँ तक कि बड़वानी जिले में जब कसराव अपने सेंधवा में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, तब उनका घेराव किया एवं काले झंडे दिखाए।
इसके अलावा जनपद चुनाव में जिला पंचायत मेरे कार्यकाल में बनी और बड़वानी जिले में 7 जनपदों में से और 4 जनपद जो है मेरे कार्यकाल में बनी। इसके अलावा मंडी अध्यक्ष और कई सोसाइटियों में सबदूर कांग्रेस को मैंने बिठाया था। लोकसभा प्रत्याशी का जो चयन हुआ है उसमें आपसे कोई राय सवारी की गई थी क्या? देखिए कि मैं स्वयं भी एक प्रत्याशी था और मैं एक लोकसभा के लिए सशक्त दावेदार था। इसके पूर्व हमारे क्षेत्रीय विधायक ग्यारसीलाल जी रावत ने और वर्तमान मंत्री गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी ने विधानसभा में मेरे मुझसे कमिटमेंट किया था कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, आने वाले समय में आपको लोकसभा का टिकट दिलाने में हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और आपको लोकसभा का टिकट दिलवाएंगे। फिर अचानक डॉक्टर मुजाल्दे जी का नाम कैसे आ गया? देखिए अब ये तो ऐसा है कि डॉक्टर मुजाल्दे जी कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, क्योंकि डॉक्टर मुजाल्दे जी कांग्रेस पार्टी के एक प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं और किसी भी परिस्थिति में किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि डॉक्टर गोविंद मुजाल्दे को लोकसभा जैसे एक महत्वपूर्ण सीट पर टिकट मिलेगा, क्योंकि जो लोग पूरे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे, मैं कम से कम 30 साल से सतत कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहा हूँ और मैंने हमारे खरगोन और बड़वानी ज़िले के जो कैबिनेट मंत्री है बाला बच्चन जी है, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी हैं, श्री सचिन यादव जी हैं, इनके अलावा हमारे विधायक रवि जोशी जी हैं और अपने अरुण यादव जी हैं, वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी हैं, उधर चंद्रभागा किराड़ी जी हैं, इन लोगों से भी जब टिकट होने के बाद में मैंने संपर्क किया तो सबका यही कहना हुआ कि भाई हमारे से पार्टी ने किसी से भी कोई राय मशवरा नहीं किया। कौन कौन से आदिवासी संगठन है अभी प्रदेश में? प्रदेश में देखिए महत्वपूर्ण आदिवासी संगठन तो लगभग 7 है जो कि हमारे बड़वानी और खरगोन जिले में सक्रिय हैं। उनमें से आदिवासी मुक्ति संगठन है, आदिवासी एकता परिषद है और आदिवासी दलित मजदूर खेड़ोक संघ है, एक पटेल संघ है और इसके अलावा शायद ज़्यादातर यही मतलब जो है हमारे क्षेत्र में कार्यरत है। डॉक्टर मुजाल्दे जी किस संगठन में सक्रिय हैं? डॉक्टर मुजाल्दा जी जो है कि कर्मचारी रहते हुए इसमें किसी भी संगठन में सक्रिय नहीं दिखे मुझे और शायद इनके पास किसी भी संगठन की सदस्यता भी नहीं होगी। इसके ये हो सकता है, संभव ये है कि ये जो कर्मचारी संगठन रहे होंगे उसमें रहे होंगे। डॉक्टर मुजाल्दे जी की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए बीजेपी स्वयं अभी ये मान के चल रही है, जैसे ही डॉक्टर मुजाल्दा जी का नाम सामने आया है कांग्रेस तरफ से जी, तो बीजेपी स्वयं ये मान के चल रही है कि हमारी जीत निश्चित हो चुकी है और कांग्रेस ने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है, क्योंकि इस प्रकार का जो पैराशूट उम्मीदवार जो आया है कांग्रेस की तरफ से जिसको लेकर के पार्टी में भी काफ़ी विरोधाभास है, कोई भी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हो या कोई भी कार्यकर्ता डॉक्टर मुजाल्दा जी को जानता नहीं है और न ही डॉक्टर मुजाल्दा किसी को जानते हैं। ऐसी स्थिति में इनको बहुत कठिन पड़ेगा और ये समझिए कि अगर हम लोगों की मांग है कि खरगोन लोकसभा के प्रत्याशी के चयन पर पुनः विचार किया जाए और उसके लिए जैसे पूर्व से ही मेरा नाम पैनल में नंबर 1 पे था तो हम मांग कर रहे हैं कि हमको इसका टिकट बदल करके और मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया जाए। इस प्रकार की हम मांग चल रही है और इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक दो दिन के अंदर अंदर भेंट करने का प्रस्ताव है, उनसे टाइम लिया जा रहा है। क्या डॉक्टर मुजाल्दे जी का जो टिकट फाइनल हुआ है उसमें खरगोन जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की जुमा सोलंकी जी, उनका भी कोई योगदान है? हाँ, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है और वो क्योंकि वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं जी और विधायक भी हैं, उन्होंने पुरजोर डॉक्टर मुजाल्दा जी की सिफारिश की है और उनके रिकमेंड से ही, बाकी लोग तो सब मना कर रहे हैं, उनके रिकमेंड से ही शायद इनको टिकट मिला है और ये भी पता चला है कि
डॉक्टर मुजालदा और डॉक्टर सोलंकी मैडम झुमा सोलंकी के मिस्टर हैं, ये बिजनेस पार्टनर भी है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डॉक्टर मुजालदा को टिकट दिलाने में मैडम झुमा सोलंकी का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। आप विरोध किस लिए हो रहा है इनका? विरोध इसलिए हुआ रहा कि कांग्रेस पार्टी को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने इतने दिन से इस 15 साल में, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र से जिस प्रकार से हमने बचा के रखा है और 15 साल बाद में कांग्रेस की सरकार आई है, इसको आगे और बढ़ाना है। और लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो वहाँ पर एक एक सीट का महत्व है। और यदि डॉक्टर मुजालदा को चेंज नहीं किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की हार निश्चित रूप से लग रही है। इसलिए हम लोग सब कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए और माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये मांग कर रहे हैं। अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप प्रचार करेंगे, उनका साथ देंगे, कांग्रेस साथ देगी? प्रत्याशी नहीं बदला गया तो इस संबंध में जो भी आगे सभी वरिष्ठ जन जो बैठ करके निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम सभी काम करेंगे। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता डॉक्टर मुजालदा की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं दिखा। सभी का यही कहना है कि पार्टी ने जो पैराशूट उम्मीदवार उतारा है वह कहीं ना कहीं गलत फैसला नजर आ रहा है, पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिव तिवारी ने उन पर पूरा भरोसा जताया है और कहा है कि पार्टी एकजुट होकर डॉक्टर मुजालदा को जिताने के लिए काम करेगी। कांग्रेस की रणनीति इस प्रकार रहेगी कि सब मिलके और जिनको टिकट मिला है उनके लिए मेहनत करेंगे और मेहनत करके गांव गांव घूमेंगे, पूरे शहर में प्रचार करेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट हमको मिला है वो डॉक्टर साहब हैं और एक जानी मानी हस्ती है खरगोन शहर के लिए, उनके लिए एकजुट होकर सब कार्य करेंगे और मेहनत करेंगे। सुखलाल परमार जी का विरोध, सुखलाल परमार जी विरोध कर रहे हैं, इस मामले को आप किस तरीके से सुलझाएंगे? सीनियर नेता है, सीनियर है सुखलाल परमार जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है। बाकी टिकट का जहाँ तक सवाल है, टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है और डॉक्टर मुजालदे जी को टिकट मिला है, उनको नाराजगी है, उनको टिकट नहीं मिलने की नाराजगी है। वो नाराजगी हमारे वरिष्ठ नेता लोग दूर करेंगे और वो भी हमारे साथ मिलके कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे, प्रचार करेंगे। क्या लगता है कि हेलीकॉप्टर से जो लैंडिंग करा है प्रत्याशी, तो कहाँ तक सही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आदमी को ऊपर से उड़ के नहीं आया है, उनने भी मेहनत करी है पार्टी के लिए, पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं और आज उनका अपना एक महत्व है और जितने भी सीनियर नेता हैं उनसे उनके संबंध भी हैं और वह आने वाले चुनाव में अपनी जीत अवश्य हासिल करेंगे। कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो रहेगा? कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जो जारी किया है उस पर पूरी पार्टी उसका प्रचार करेगी और उसे उसी बेस पे हम चुनाव लड़ेंगे। क्या मान के चल रहे हैं कितने वोटों से कांग्रेस यहाँ पर जीतने वाली है? कांग्रेस 6 वोटों से जीतेगी। अब ये तो एक मतलब अतिशयोक्ति होगी कि मैं आपको गिनती बताऊँ, बाकी हम 1 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। खरगोन बड़वानी सीट जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र की सीट मानी जाती है, उस पर डॉक्टर मुजालदा का आदिवासी समाज में काफ़ी विरोध देखा गया। जयस की उम्मीदवार डॉक्टर अक्षा मुजालदे से बात करने पर उन्होंने बताया कि जयस से उनका नाम आला कमान को भेजा गया था, पर जो फैसला आला कमान ने किया है हम उसका सम्मान करते हैं, आला कमान का जो भी निर्णय होगा उसी के आधार पर कार्य करेंगे। ये डिसीजन तो आला कमान का है, जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो जो डिसाइड करते हैं उसको हम लोग मानते हैं, उम्मीदवारी दी थी। जयस से डॉक्टर मुजालदे जी अपना नाम बता रहे हैं और आप भी अपना नाम जयस से बता रहे हैं। जयस एक संगठन है, एक जो नेशनल जयस है जिसके संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा हैं, उन्होंने हमारा समर्थन करा है और उन्होंने ही हमको आगे बढ़ाया है। और वैसे मैं कांग्रेस कमेटी की मेंबर हूँ, कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी हूँ,
प्रदेश सचिव हूँ आदिवासी कांग्रेस कमेटी की। तो हम हैं, मेरी सदस्यता कांग्रेस की है और जयस एक संगठन है उसमें भी मेरी सदस्यता है। और डॉक्टर हीरालाल अलावा हैं और जयस है, ये हमें सपोर्ट करते हैं। जो 9 राज्यों में जो नेशनल जयस काम कर रहा है, हम उस संगठन से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक सदस्यता आपकी जयस की है क्या? जयस में मेरी सदस्यता है और कांग्रेस पार्टी में मेरी सदस्यता और पदाधिकारी हूँ मैं। क्या प्रक्रिया रहती है दावेदारी की? दावेदारी के लिए हमने जो जितने यहाँ के जो नेता हैं जो लोकल लेवल पे उनसे मिले हैं, जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मिले हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मिले हैं और हमने जो यहाँ सामाजिक तौर पे जो कार्य करा है उनको उनके सामने प्रेजेंट करा है और आगे जो हम कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए उसके बारे में हमने उन्हें जानकारियाँ दी थी और उसके बूते पे हम मांग रहे थे। अब आपका क्या मूड रहेगा आगे? आगे जैसा पार्टी हमको कहेगी वैसा हम करेंगे, जैसा जो पार्टी का है वैसा भी करेंगे और एक जैसे हमारा जयस जो संगठन है उसका स्टैंड भी अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आगे उसके हिसाब से भी काम करेंगे। सुखलाल परमार जी भी आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भी टिकट मांगा था, उनका भी टिकट कटा है, क्या मानते हैं आप? कहाँ तक सही मानते हैं उसको, उनके विरोध को? उनका विरोध इसीलिए है क्योंकि वो काफ़ी समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। विरोध करना जायज़ है उनका, पर जो आला कमान है और वो क्या चाह रहे हैं क्षेत्र को लेकर के उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत एनालिसिस करके किसी कैंडिडेट को चुनते हैं तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और बाकी देख, अब देखना यह है कि इतने विरोध के बाद डॉक्टर गोविंद मुजालदा आलाकमान का फैसला सही साबित करते हैं या विरोध के चलते कांग्रेस को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। अब जरूरत है तो फिर एकजुटता की जो विधानसभा में दिखाई थी। कौन बनाएगा रूठों को और क्या होगा खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट का निदान?